हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अजीम खान। मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में अपनी क्लासेस की जो शेड्यूल रहेगी उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। अजीब है लेकिन सच है। अजीब यह है कि डेट क्लियर नहीं है, डेट कब शुरू होंगी कोचिंग संस्थान, ये है कि कल परसों तरसों उसके बाद या उसके और दो तीन दिन बाद शुरू हो जाए, इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। शर्त और माहौल यह है कि थर्ड वेव अपना कहर ज़्यादा ना दिखाए या आए ही नहीं, तब कोचिंग इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस और स्कूल्स विद इन 7 और 10 डेज ओपन हो जाएंगे। तो जब ओपन होंगे वो डेट आपको हम अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर इंफॉर्मेशन दे देंगे कि कब वो शुरू होने हैं, उसका डेट आपको क्लियर कर दी जाएगी। लेकिन फिर आपके यही सवाल बार बार होंगे और ये ज़रूरत भी है, क्योंकि बच्चे अब क्लासेस की जानकारी चाहते हैं कि कौन सी क्लास में क्या चल रहा है, हमारे पुराने बैच जो थे उनका क्या होना है, क्या हम ये वाला पेपर जो स्टेनो क्लर्क का, जो हाई कोर्ट स्टेनो हाई कोर्ट क्लर्क PET या और अन्य एग्ज़ाम है, हालांकि PET में सिर्फ 5 नंबर की अंग्रेज़ी है तो उससे हमारा कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन उसमें भी हम अपने मोटिवेशन से, अपनी बातों से, अपने अनुभव से आपको दिशा दिखाएंगे कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। जब क्लासेस शुरू होंगी बताया जाएगा आपको बहुत कुछ, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा नहीं है, लेकिन हमारा जो मकसद है आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवाना, वहाँ तक पहुँचाना, आपको रास्ते दिखाना, वो तो उसके अंदर भी है ना, तो वो भी बताएंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ कि हमारी क्लासेस किस तरीके से चलनी है, डेट आपको बता दी जाएगी जल्दी ही। तो देखें, सबसे पहले हम निशान लगा हुआ है क्योंकि ये नया बैच है, 8 से 9:30, जो पहले 7:30 से 9 शुरू हुआ था, 5-6 दिन क्लासेस चली थी लेकिन लॉकडाउन लगा तो बंद हो गया, अभी 8 से 9:30 है। इसकी एक कंडीशन सुन लो जो ज़रूरी है, उसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे आप। इसमें टेस्ट के आधार पर एडमिशन होने हैं, जो पहले नहीं हुआ था टेस्ट, लेकिन टेस्ट होना था उसमें, अब इसमें पहले टेस्ट होगा फिर आप क्लास अटेंड कर पाओगे। तो इसके टेस्ट 6 जुलाई मीन्स ट्यूसडे कल से शुरू हो जाएंगे, 8 बजे आप आ सकते हैं, 8 से 8:30 हमारा इंस्टीट्यूट खुला रहेगा आधे घंटे, उसके बाद बंद हो जाएगा। 10 जुलाई लास्ट है इसकी, 10 जुलाई तक आप टेस्ट दे सकते हैं, यानी कि आपके पास 3-4 दिन हैं। अगर आप बाहर के हो, आपको लगता है सर डेट तो आपने बताई नहीं इंस्टीट्यूट कब शुरू होंगे, पता चला हम एक दिन के लिए टेस्ट देना आए बाहर से हैं तो क्या होगा, तो आप मुझसे मैसेज पर बात कर सकते हैं, उसके लिए भी आपको कोई बात बताई जाएगी। लेकिन अगर आप विद इन 50 किलोमीटर्स हैं, 50 किलोमीटर के दायरे में, तो आपको टेस्ट क्लास में आकर के ही देना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। बाहर हो, दूर हो ज़्यादा, तो फिर एक मजबूरी है, फिर उसका भी कोई विकल्प आपको बताएंगे। फिलहाल 8 बजे आएंगे आप और 8:30 बजे तक आपको भेज दिया जाएगा और 10 मिनट का टेस्ट होगा। टेस्ट का स्टैंडर्ड 9th, 10th, 11th, 12th रहेगा। टेस्ट क्यों लिया जाएगा, क्या वजह है, बिना टेस्ट के एडमिशन नहीं होंगे, क्यों करा जा रहा है, ऐसा सब क्लास में बताएंगे जब आप क्लास में 6 जुलाई से आना शुरू कर दोगे। जिसको जो टाइम, मतलब जिसको जो डेट सही लगे उस टाइम आ सकते हैं, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, 5 दिन लगातार टेस्ट चलेंगे आपके। फिर उसके बाद में जब नोटिफिकेशन आएगा, जब गाइडलाइंस आएंगे, तो आपकी क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी, बता दिया जाएगा कब आना है आपको, लेकिन टेस्ट शुरू हो गए हैं। तो 8 से 9:30 नया बैच रहेगा हमारा, इसमें बताया जाएगा कैसे तैयारी होती है, क्या तैयारी करवाएंगे, किस तरीके से आपको पढ़ना है, कंपटीशन ने नया रूप ले लिया है, ऑनलाइन ऑफलाइन का क्या कॉम्बिनेशन है, सब समझाया जाएगा इसके अंदर। दूसरा नंबर, ये बच्चों 9:15 से 9:30 का बैच है, जो पहले 9 से 10:30 था, आधे घंटे आगे जा रहा, चेंजेस करने पड़ रहे हैं क्योंकि शेड्यूल पूरे का पूरा चेंज होने जा रहा है, तो आपको इसलिए इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। 9:30 से 11:30 आप देख रहे होंगे सर ये तो 2 घंटे का बैच हो गया, क्योंकि इसमें टारगेट है हमारा, एक तो SSC स्टेनोग्राफर 2020 का जो फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं वो इसके अंदर अपना स्टडी मटेरियल तैयार करेंगे, और हाई कोर्ट स्टेनो और क्लर्क का एक एग्ज़ाम होना है इसी के आसपास, सितंबर के टाइम, अगस्त के लास्ट में या सितंबर के शुरू में या अक्टूबर तक SSC स्टेनोग्राफर 2020 का इंशाल्लाह एग्ज़ाम हो जाएगा, अगर सब कुछ सही रहा तो, बीमारी नहीं अगर अपना रूप भयंकर करती है तब तो हो जाएगा एग्ज़ाम। इसी दौरान आपका जो 20 जुलाई से हाई कोर्ट स्टेनो 20-25 जब से भी जुलाई से हाई कोर्ट स्टेनो क्लर्क की ऑनलाइन होनी है, उसमें 25-25 नंबर की, दोनों में 25 के क्लर्क में अलग एग्ज़ाम है, 25 की स्टेनो में हाई कोर्ट इंग्लिश आती है, बहुत मज़ा आएगा, उसकी भी तैयारी इसमें कराई जाएगी आपको। DSSSB का एग्ज़ाम हो किसी का दिल्ली स्टेनो में, उसकी एयरफोर्स वाई ग्रुप का या NDS CDS सब इसके अंदर होना है, इसलिए 2 घंटे करने ज़रूरी हैं ताकि आप एंजॉय कर सको, और ये मत भूलना कि आपने छुट्टियां करी हैं उसमें आपने अपने पर एक
परत जमा ली है जंग की, उस जंग को साफ करके फिर आपको चमकाना है, तो 2 घंटे चाहिए मुझे। क्लियर? तो 9:30 से 11:30 ये हमारा 9 से 10:30 वाला बैच रहेगा, टाइम ये रहेगा, डेट आपको बताएंगे बाद में। फिर तीसरा बैच हमारा ये 11:15 से 12:45 तक चलता था, अभी शुरू हुआ था, इसमें मुझे ध्यान है नॉन फाइनाइट वर्ब चल रही थी, वहीं से शुरू करके आगे लेके जाएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, वो क्या गरीबी आपकी जो भूल चुके हो याद करवाएंगे, आपको कंप्रिहेंशन भी होगी। इसमें डिग्री चल रही थी, इसे आगे बढ़ाएंगे, ये 15 मिनट का चेंज हुआ है इसके अंदर, 11:30 से 1 रहेगा, बाकी बातें इसमें बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा नया सा बैच है, सिलेबस ज़्यादा नहीं हुआ इनका। फिर आते हैं तीसरे वाले पे, यानी कि जो 4 नंबर पे है, तो ये 2:30 से 4 है हमारा, ये 3 से 4:30 हुआ करता था, आधे घंटे से पीछे लाए हैं, तो 2:30 से 4 अपनी और बैच जो लगवाओगे तरीके से लगवाना, क्योंकि टाइम चेंज नहीं करने वाला हूँ मैं, ध्यान रखना टाइम यही रहेगा। तो 2:30 से 4 ओल्ड बैच हमारा, इसमें नरेशन चल रहा है, इसे भी आगे कहाँ लेकर के जाएंगे बताएंगे। इनका एग्ज़ाम में हाई कोर्ट स्टेनो और क्लर्क का जो होना है वो ज़रूर करवाऊंगा। आप चाहोगे अगर SSC स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम देना तो मुझे क्लास में आकर के बताना, 2020 वाला, उसकी भी तैयारी मैं करवा सकता हूँ, एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़ेगी आपको, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, मैं दूंगा आपको टाइम एक्स्ट्रा, आपको भी आना पड़ेगा उस टाइम, लेकिन हाई कोर्ट स्टेनो और क्लर्क इसी 1.5 घंटे में करवा सकता हूँ मैं, और अगर आप चाहते हो जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है तो वो भी करवा सकता हूँ, टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा फिर, तो इसके लिए क्लास में बात कर लेंगे, टाइम सेट कर लो अपनी आप, ये ध्यान दें, इसके लिए बहुत चाहत है बच्चों की। चाहत क्यों है? SSC स्टेनोग्राफर 2020 का एग्ज़ाम होना है, PET में सिर्फ 5 नंबर की इंग्लिश आएगी, लेकिन फिर भी बच्चे चाहते होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा मैं तवज्जो दूंगा हाई कोर्ट स्टेनो और क्लर्क को, और उम्मीद है कि UPPCL का भी एग्ज़ाम होना है आपका, एक अभी नहीं है उसका, हाई कोर्ट स्टेनो क्लर्क के इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, आपको भी पता होगा कि 20 जुलाई या 25 जुलाई से ऑनलाइन होनी है, 25 नंबर की इसमें इंग्लिश आती है, तो ये तो क्लियर हो चुका है, लेकिन UPPCL का भी एग्ज़ाम हो सकता है आपका, और आने वाले टाइम में DSSSB स्टेनोग्राफर का 2021 का भी नोटिफिकेशन आएगा अभी कुछ दिनों बाद में, बस बीमारी अपना जो है ज़रा स्तर कम कर ले, अपने प्रकोप कम करती जाए, तो ये सब चीज़ें खुल जाएंगी आपके सामने, उसके बाद फिर NDS CDS सब एग्ज़ाम है, तो प्रैक्टिस बैच की बहुत चाहत है बच्चों को, और होनी भी चाहिए, जब उनका सिलेबस पूरा है बस उन्हें दिखता है कि प्रैक्टिस हो जाए, जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए, कम्प्रीहेंशन स्ट्रॉन्ग हो जाए, वोकैबुलरी याद करवा दे कोई हमें, ग्रामर के और नए नए क्वेश्चन मिल जाए, सब इसमें मिलेगा। ये क्लास 2 घंटे की है और ये रहेगी हमारी 4 से 6, बाकी बातें इसमें बताई जाएंगी आपको, ठीक है। फिर लास्ट में एक सवाल है बहुत अच्छा, जो बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं इसको, हाई कोर्ट वर्सेस पैट, जो पैट का एग्ज़ाम अगस्त में होना है, जिसके लिए लगभग 24-25 लाख UP के छात्रों ने अप्लाई किया हुआ है, एग्ज़ाम होना है उसका, उसे पास करने के बाद UP SSC के अंतर्गत आने वाले बाबू या जो है स्टेनोग्राफर क्लर्क वगैरह, इनकी वैकेंसीज भरी जाती हैं, या उत्तर प्रदेश परिवहन है, रोडवेज वगैरह, इन सब में, लेकिन क्या हाई कोर्ट भी इसके अंतर्गत आता? तो जवाब आपको तसल्ली देने वाला है, बढ़िया है, वो यह है ना, हाई कोर्ट अलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो अपना एग्ज़ाम अलग कंडक्ट कराता, यानी कि अगर आपने PET के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, भूल गए थे, एज नहीं हुई थी, या रजिस्ट्रेशन करा दिया, फीस जमा नहीं हो पाई, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, और जो PET अप्लाई कर चुके हैं उनके लिए वो भी अपॉर्चुनिटी है, वो भी देंगे एग्जाम, वो और ये भी दे सकते हैं, तो हाई कोर्ट बिल्कुल फ्री है इससे, इंडिपेंडेंट है, यानी कि अपने ऊपर निर्भर है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता। इसके जब फॉर्म ऑनलाइन होंगे उसमें PET की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो ये आपके पास विकल्प है। इसमें 25 नंबर की इंग्लिश, 25 नंबर की हिंदी, 25 नंबर की मैथ्स, रीजनिंग नहीं आती इसमें, 2-3 क्वेश्चन उसी में होते हैं रीजनिंग के, और 25 नंबर की GS आएगी, 100 नंबर का स्कोर होगा, इसके बाद में फिर 1-2 प्रक्रिया और है, टाइपिंग या शॉर्ट हैंड, स्टेनोग्राफर क्लर्क का जो भी भरोगे आप फॉर्म, और आराम से आप जॉब प्राप्त कर सकते हो। सेम यही प्रक्रिया UPPCL में होती है। तो बच्चों, हाई कोर्ट का एग्ज़ाम आपके साथ में प्लस बेनिफिट के रूप में आ रहा है, एक बोनेंजा के रूप में, यानी कि आप दोगे SSC स्टेनोग्राफर 2020 का एग्ज़ाम, और उसी स्टडी मटेरियल के साथ आसानी से आप इसे भी कर जाओगे, तो है नहीं है अपॉर्चुनिटी, DSSSB का एग्ज़ाम है तो भी आप कर लोगे। तो ये प्रैक्टिस बैच रहेगा हमारा 4 से 6, इसमें हम इसको तैयारी कराएंगे, और ये PET का इससे कोई मतलब नहीं है, हाई कोर्ट का एग्ज़ाम बिल्कुल अलग कंडक्ट होगा, उससे कोई इसका लेना देना नहीं है। अच्छी खबर है आपके लिए, ये उन बच्चों के लिए खास करके जो निराश थे कि यार मैं PET का फॉर्म नहीं भर पाया, तो उनके लिए अच्छी खबर है ये। अब बात आती है थोड़ी सी ज़रा आपकी फ़ीस की, बच्चे परेशान है उसके लिए कि सर हमने फ़ीस जमा करी थी 450 रुपये, जगह जगह आपकी फ़ीस जमा है, तो हमारी फ़ीस का क्या होना है? देखो बच्चों, 10 दिन हमने आपको पढ़ा दिया था, 20 दिन आपके बाकी हैं, यानी कि अगर देखा जाए प्रिपोर्शन निकाल के, तो 300 रुपये आपके हमारे ऊपर हैं, हम आपको देंगे। अब उसमें यह है
100 स्टूडेंट हैं मान लो एग्जाम्पल के रूप में, 1000-1200 के करीब जो भी, तो 100 स्टूडेंट पर लेते हैं हम अपने आंकड़े, तो 100 स्टूडेंट्स में से 90 तो लगभग आएंगे, मतलब पढ़ते ही हैं वापस, इंतज़ार कर रहा है मैसेज खूब हमारे पास, तो वो आएंगे, उनकी फीस आगे ऐड कर दी जाएगी, 300 रुपये आपके हमारे पास है, 20 दिन आपको फ्री पढ़ाया जाएगा 20 दिन। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे, सर मुझे आपके पास नहीं पढ़ना, मुझे आप पसंद नहीं हो, मुझे आपकी पढ़ाई पसंद नहीं है, या मुझे कुछ और तैयारी करनी है, या सर मैं थोड़े रुक करके आऊँगा, तो इनके लिए क्या विकल्प है? फिर इनके लिए विकल्प ये है, अगर आप रुक करके आओगे तो तब फीस लगवा सकते हो आप, या आपको लगता है सर मैं आ ही नहीं पाऊँगा अब, तो आप अपनी वो फीस अपने किसी जानने वाले जो हमारे पास पढ़ता हो उसमें ऐड करवा सकते हो, उससे आप अपनी फीस ले सकते हो। हमसे फीस वापस लेना ये आपको भी शोभा नहीं देगा, ना हम वापस कर पाएंगे। क्या इतना काफ़ी नहीं है? और ये है भी, ये तो आपकी फीस है, हाँ क्या आपका, कि हम आपकी फ़ीस को किसी भी स्टूडेंट की फ़ीस में ऐड कर सकते हैं, ये सुविधा है आपके लिए, आपकी फ़ीस दूसरे स्टूडेंट में भी ऐड हो सकती है, ये सुविधा हम आपको दे रहे हैं। आपकी तो हो ही जाएगी, आप पढ़ोगे तो, आप नहीं पढ़ रहे हैं दूसरे में भी ऐड हो जाएगी, तो बिल्कुल परेशान ना हो इसके लिए। बाकी अब इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है आपके लिए वो ये कि कब से शुरू होगा वो हम बता देंगे। नए बैच के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं, यानी कि टेस्ट शुरू हो गए हैं, बच्चे देख के भी चले गए टेस्ट, आज 5 जुलाई को मैं वीडियो बना रहा हूँ 2021 को, आगे की जो क्लासेस उसमें टेस्ट शुरू रहेंगे, मास्क पहन कर का है। बाकी हमने यहाँ अपनी व्यवस्था कर रखी है, हालांकि अभी क्लासेस ओपन करने के आदेश नहीं है, लेकिन 2-2, 3-3 बच्चे आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसमें प्रशासन भी जो है इतने बड़े इशू नहीं उठाएगा, लेकिन क्लास पूरी भर के पढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, वो मैं नहीं चाहता हूँ, मैं भी लीगली पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक, एक चीज़ यहाँ और है अभी, सर 4 से 6 में कौन कौन पढ़ सकता, जिन्होंने अपना सिलेबस मेरे पास पूरा कर लिया है और वो जो है अब इस तैयारी में रहते हैं कि सर प्रैक्टिस मिल जाए कहीं से बढ़िया सी, वो इसमें आ सकते हैं। कहीं और अगर आपने सिलेबस पूरा किया है, आप चाहते हो मेरे पास प्रैक्टिस करना, तो थोड़ी आपके लिए पाबंदी है, आपको एक टेस्ट देना होगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब बच्चे हमारे सामने 300 बैठे होंगे, सामने से कोई गुजर के जा रहा होगा, आप भी जानते हो कि अजीम सर के पास पढ़ रहे हैं, तो एक उम्मीद जुड़ जाती हमसे कि सर कामयाब करवाएंगे, सर हमें मटेरियल देंगे, मेहनत करेंगे हमारे साथ, ठीक है करेंगे हम, लेकिन आप करोगे नहीं करोगे मेहनत, आपकी पोटेंशियल क्या है, आप क्या हो, आप कौन सी क्लास में बैठे हो, क्या आप सही क्लास में बैठे हो या नहीं, ये भी तो हमें पता होना चाहिए, वरना हमारे रेपुटेशन का सवाल होता। 300 बच्चे पढ़ाएं उसमें 10 लगे तो क्या फ़ायदा, 300 पढ़ाएं कम से कम 50-60 तो उसके अंदर लगने चाहिए ना, जो एक चमक भी हो हमारी क्लास की, वाकई में पढ़ाया था, तो उसके लिए हम टेस्ट लेंगे आपका कि हम आपको प्रैक्टिस करवा पाएंगे या नहीं। कभी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आपके सर के ऊपर से उतर रहा, फीस भी ख़राब, हमारे रेपुटेशन भी ख़राब, टाइम भी ख़राब आपका, तो ऐसा ना हो इसलिए। जिन्होंने मेरे पास सिलेबस पूरा किया हुआ है, स्टिकर दिखा देंगे, मैं चेहरे से भी पहचान लूँगा, उनको ऐसे ही एडमिशन मिल जाएगा, 4 से 6 प्रैक्टिस कर लेंगे वो। लेकिन अगर आप नए हो, कहीं और पढ़ते थे, सिलेबस पूरा करा, तो आपको टेस्ट देना होगा, टेस्ट मैं लूँगा, टेस्ट क्या होगा वो मैं बता दूँगा आपको जब आप आओगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आप सारी जानकारी एक दूसरे तक पहुँचाएँ, डेट क्या है वो आपको जल्दी बता दी जाएगी। शुक्रिया।